Hello everyone, in today's video we are going to discuss about the phylum Annelida. So Annelida means the segmented worms के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो general characteristics के बारे में अगर हम देखें तो जो Annelida है उनकी around 9000 species are there and they are triploplastic animals with bilateral symmetry. तो symmetry कैसी है? Bilateral है. and वो कैसे है? Triploplastic है. तो germ layers क्या है? Triploplastic है. सो बॉडी इज़ सॉफ्ट वर्मी फॉर्म एंड मोर और लेस एलोंगेटेड उनकी बॉडी रहती है. बॉडी इज़ मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहती है एंड इट इज़ कवर्ड बाई अ थिन क्यूटिकल जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है. सो जो Annelida का हेड होता है दैट कंप्राइज ऑफ द प्रोस्टोमियम एंड द पेरिस्टोमियम. सो जो प्रोस्टोमियम है उसमें हेड और सेंसरी अपेंडेजेस आते हैं. लोकोमोट्री ऑर्गन की अगर हम बात करें तो Annelida के अंदर जो लोकोमोट्री ऑर्गन है दैट इज सीटे एंड दिस इज लॉस्ट इन द लीचेस एंड इन फ्यू ग्रुप्स ऑफ द पॉलीकेट्स. तो लीचेस के अंदर ये नहीं होता है. बॉडी कैविटी जो होती है Annelida में दैट इज ट्रू सीलोम. तो इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है, मीन्स दे आर सीलोमेट एनिमल्स. डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है दैट इज स्ट्रेट ट्यूबुलर एंड रनिंग फ्रॉम द इंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर एनस. डाइजेशन जो होता है वो कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. गैस एक्सचेंज जो होता है दैट इज परफॉर्म्ड ईदर बाय द जनरल बॉडी सर्फिस प्रोवाइडेड दैट इट इज केप्ट मॉइस्ट और बाय द गिल्स एंड इन सम द ट्यूब ड्वेलर्स. गिल्स के थ्रू वैसे तो मोस्टली जो है बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्यूब ड्वेलर्स हैं जिनके अंदर गिल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है. क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम विद डॉर्सल एंड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स कनेक्टेड बाय स्मॉलर वेसल्स. जो डॉर्सल वेसल्स होती हैं वो एज अ पंपिंग वेसल की तरह एक्ट करती हैं. सर्क्यूलेशन अगर हम देखें तो सर्क्यूलेशन जो होता है ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम आया था, डेवलप हुआ था एंड दे हैव हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन दी प्लाज्मा. सो दिस सिस्टम इज नोन एज द हीमोसिलोमिक सिस्टम. जो क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है दैट इज रिड्यूस्ड और एबसेंट इन द लीचेस. सो दिस इज द एक्सेप्शन. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होती हैं वो रेड हीमोग्लोबिन और द और इट मे बी द ग्रीन क्लोरोक्रूरिन्स. सो यहाँ पे ये हमने बात करी कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती है मेजरली क्या होता है, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है एंड दे आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा नॉट इन द आरबीसीज. जैसे कि हम वर्टेब्रेट्स के अंदर देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा. नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेरिब्रल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व cord with segmentally arranged ganglia and lateral nerves. Excretion जो है that is through the nephridia and excretory material may be the ammonia, urea. और जो segmented coil tubes होती हैं that open at both ends. So animals often provided with the coelomo duct जो कि क्या होते हैं, channels होते हैं for the outward passage of the reproductive elements. Gonads जो होते हैं that develop from the coelomic epithelium. Sexes are separated or united. Development जो होती है that is direct or it may be indirect. Cleavage spiral होती है. Larval stage जो होती है when present is the trochophore. अगर larval stage present है तो उसे हम trochophore बोलते हैं and they have a organ system level of organization. तो उनका organ system level of organization होता है. True coelomates होते हैं यानी कि वो coelomates होते हैं which act as a hydroskeleton as it can make the body stiff. So body जो होती है that is covered by a transparent moist non-chitinous cuticle secreted by the ectoderm. रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों तरीके का हो सकता है. असेक्शुअल में दे कैन रीजनरेट देयर फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स रीजनरेशन. तो असेक्शुअली कैसे? रीजनरेशन से. एंड अगर हम सेक्शुअली देखें तो
दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या फिर इंटरनल दोनों हो सकती है, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों हो सकती है, और जो लार्वल्स फॉर्म होती है उसको हम ट्रोकोफोर बोलते हैं. सो दे हैव दी फाइव क्लासेस, जो हमारे पास एनेलिडा क्लास है उसमें फाइव क्लासेस है, पॉलीकीट और पॉलीकिटे, ओलिगोकाइटे, हिरुडिनेए, आर्की एनेलिडा एंड दी. सो जो हमारे पास पॉलीकाइटे है दैट इज़ द ब्लड वॉर्म, अर्थ वॉर्म, लीच. जो लीच होता है ना उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन हमने देखा था अभी, राइट. नेक्स्ट इज़ द डाइनोफाइलस एंड नेक्स्ट इज़ द बोनीलिया. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द हिरुडिनेरिया. यू कैन सी दैट दिस इज़ अ सेगमेंटेड बॉडी. सो दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्क्यूलर मसल्स जो कि उन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. नीरीस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस, बट अर्थ फॉर्म जो है और लीचेस जो है वो मोनोशियस हैं. मोनोइशियस मीन्स, व्हाट डू वी मीन बाय द मोनोइशियस, दैट इज मेल प्लस फीमेल, बोथ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम बॉडी, दैट इज द मोनोशियस. एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एनेलिडा फाइलम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द अर्थ वर्म एंड द हिरुडिनेरिया, दैट इज द ब्लड सकिंग लीच. सो हैबिट इनहैबिटेड, मोस्ट जो होते हैं वो हमारे पास जो पॉलीकीट्स हैं वो मरीन होते हैं, कुछ मड के अंदर भी रहते हैं. सम दे सिक्रीट द स्टिकी सब्सटेंसेज और वो सैंड के साथ अटैच रहते हैं. इन सम फॉर्म्स जो सीटे हैं दैट आर फाउंड इन अटैचमेंट टू द सैंड. 75% ऑफ द हिरुडिनिया लिव्स इन द फ्रेश वाटर, एंड जो साउथ अमेरिकन सॉयल लीचेस होते हैं दे लिव इन द मॉइस्ट सॉयल, काउ डंक इन रॉटन वुड एंड एक्ट एज प्रेडेटर्स ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. टेरिस्ट्रियल लीचेस जो होते हैं दे लिव इन मॉइस्ट वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉफिक्स एंड दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ द वर्टेब्रेट्स. और जो एनलिड्स हैं उनका जो साइज होता है वे वेरी करता है, कि बहुत छोटे साइज़ के भी होते हैं और बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं. और जो एवरेज लेंथ होती है लीच की दैट इज़ बिटवीन 10 to 200 mm. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में देखें तो जो एनलिड्स होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं टू अवॉइड और टू प्रिवेंट द सॉइल एरोजन, एंड ऑल्सो दे इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर एंड द ऑक्सीजन इन द सॉइल ईजिली. जो एनलिड्स होते हैं वो सॉइल को एरेटेड रखते हैं, फर्टाइल रखते हैं. सो अर्थ फॉर्म को हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं. दे ऑल्सो सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल बाई मिक्सिंग द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, हेंस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अर्थ फॉर्म जो है उसको जो बर्ड्स हैं या जो रोडेंट्स हैं वो एज अ फूड की तरह भी यूज़ करते हैं. प्रेजेंस एंड द कंजर्वेशन ऑफ अर्थ वर्म काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है. सो कुछ एनालिड्स की हमारे पास वैराइटीज़ हैं जो कि नेटिव लोग भी खाते हैं, जैसे कि पेलोलो वर्म्स जो हैं वो नेटिव लोग भी खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं. एनालिड्स जो होते हैं उनको हम ट्रीटमेंट के लिए भी, लाइक मेडिसिनल लीचेस होते हैं जिनको कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं. जो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, लाइक एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे उस लीच को यूज़ किया जाता है टू स्टॉप दैट ब्लड. सो दे कैन ऑल्सो बी यूज इन द कॉस्मेटिक सर्जरीज, स्किन ग्राफ्ट, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एनेस्थेटिक पावर्स होती हैं. सम अर्थवर्म्स दे आर यूज इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ चाइना, इंडिया एंड जापान फॉर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन फॉर ब्लेडर्स, स्टोन्स, जॉन्डिस, पाइल्स. सो मेडिसिन के प्रेपरेशन में भी इनको यूज़ किया जाता है. अर्थ फॉर्म और जो लीचेस हैं उनको डाइसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, स्टडी के लिए, लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस में जूलॉजी सब्जेक्ट होता है वहाँ पे अर्थ फॉर्म्स का डाइसेक्शन भी कराया जाता है, उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है बेसिकली ये. सो ब्यूरोइंग जो स्पीशीज़ हैं ऑफ द मरीन एनालिड्स वो क्या करती हैं, वाटर की पेनिट्रेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि वो वाटर की पेनिट्रेशन और ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं. एंड दी सेडिमेंट सपोर्ट्स द लाइफ ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया एंड स्मॉल एनिमल्स. सो जो मरीन प्लांट्स जो रह रहे हैं और जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन बेनिफिशियल है.
क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए तो उनको ऑक्सीजन ही चाहिए ना, विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. अर्थवर्म्स आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स क्योंकि वो क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल रखते हैं. सो अगर आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा विच इज़ वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं, सपोज दिस इज़ अ अर्थवर्म, ये अर्थवर्म जो एक्सक्रीट करते हैं, लाइक जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, इनकी जो इनकी पॉटी होती है वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, एज अ कंपोस्ट की तरह यूज़ करते हैं. सो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी. सो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये नोट्स का PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.